हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सीएसएस का फ्रेमवर्क है टेलविंड सीएसएस, उसकी हेल्प से क्रिएट किया गया टेल ब्लॉग। उससे हम अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट किस तरीके से इजी वे में तैयार कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो मेरे यूट्यूब चैनल की डेमो वेबसाइट है programjd.me, वो मैंने टेल ब्लॉग की हेल्प से ही क्रिएट किया है। ओके, तो ये है मेरे यूट्यूब चैनल की डेमो वेबसाइट। डेमो वेबसाइट इसलिए क्योंकि अभी मैं एक बैकएंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। ओके, ये मेरे YouTube चैनल की डेमो वेबसाइट है जिसको मैंने टेल ब्लॉग की हेल्प से क्रिएट किया है। ओके, और ये है .me डोमेन के साथ ऐड है। अगर आपको .me डोमेन फ्री में चाहिए तो आप मेरा GitHub डेवलपर पैक वाला वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन में उस वीडियो का लिंक आएगा। ओके, तो आप भी वहाँ से फ्री में डोमेन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आज वाले वीडियो पे। तो ये है मेरे YouTube चैनल की डेमो वेबसाइट। आप भी इस तरीके कैसे बना सकते हैं टेल ब्लॉग की हेल्प से, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा टेल ब्लॉग पर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। ओके, तो इसको तो मैं कर दे, तो इस साइट को तो मैं हटा देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट चलते हैं टेल ब्लॉग पे। तो ये है टेल ब्लॉग की ऑफिशियल साइट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे डार्क मोड भी अवेलेबल है इस पर। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे होगा डार्क मोड, ये वाइट। ओके, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में डार्क मोड, क्योंकि मेरे को डार्क मोड बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मेरे इंस्टाग्राम वगैरह जो भी मोबाइल में चीज़ें होती हैं जहाँ मैं डार्क मोड यूज़ कर सकता हूँ, मैं हर जगह डार्क मोड ही यूज़ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं, लाइक ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ओके, कंटेंट एंड ई कॉमर्स साइट। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं, ठीक है, इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो इन सेक्शन जो, तो ये जो कंपोनेंट है, इनको हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट का नेम रखते हैं टेल ब्लॉग, टेल ब्लॉग। ओके, और इसको कर लेते हैं ओपन विद वीएस कोड। ठीक है, तो ये हो चुका है ओपन विद वीएस कोड। और मैं जल्दी से एक index.html फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ, index.html, ठीक है, जिसमें हमारा कोड होगा कंप्लीट। और यहाँ पे जल्दी से मैं एक बॉयलर प्लेट ऐड कर लेता हूँ, ये हो चुका है मेरा बॉयलर प्लेट ऐड। और यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ। ओके, टाइटल में अपन रखने वाले हैं टेल ब्लॉग, ठीक है, टेल ब्लॉग। तो ये ओपन हो चुका है टेल ब्लॉग, ठीक है। तो अब चलते हैं जो अपन टेलविंड सीएसएस है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर, क्योंकि वहाँ से हम सीडीएन के लिंक यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपल मैं गया टेलविंड सीएसएस, ठीक है। तो ये है उसके मैं टेलविंड सीएसएस, इसके बाद आपको सेक्शन है कि इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन में आना है। ओके, लेकिन उससे पहले गेट स्टार एंड देन आपको इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन में आना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जो सीडीएन की लिंक है उसको कॉपी करना है सिंपल। ये रहा जो ये वाला सीडीएन के लिंक है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो अब वापस जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तब ये हो चुका है, हमारे सीडीएन के लिंक ऐड हो चुके हैं। अब तो ये हमारे सीडीएन के लिंक ऐड हो चुके हैं, अब हम यूज़ कर सकते हैं जो टेल ब्लॉग के कंपोनेंट थे उनको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं आता हूँ वापस से टेल ब्लॉग पे, उससे पहले मैं टेलविंड सीएसएस को हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो अपन सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए क्या करने वाले, हेडर सेक्शन जो होता है ना, आप मेरी यूट्यूब चैनल की डेमो वेबसाइट भी देख सकते हो। फर्स्ट मैंने हेडर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो ये वाला है प्रोग्राम जीडी, और ये ऊपर दो तीन लिंक है इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन के सजेशन के, यहाँ पे एक हेडर सेक्शन। तो इस तरीके का पहले हेडर सेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं इसको कस्टमाइज नहीं करने वाला हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टमाइज कर रखा है इसको थोड़ा बहुत, कि जो इमेज वगैरह ऐड कर दी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करने वाला हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो मैं हेडर सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ पहले, ठीक है। तो हेडर सेक्शन ये मेरा, तो यहाँ पे चार हेडर सेक्शन दिए हुए हैं, मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो ये डार्क मोड ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वाइट भी है डार्क ही, हम ओनली डार्क मोड ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इसको व्यू कोड, ये इसका कोड है, इसको अपन कॉपी टू क्लिक बोर्ड कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं अपन वापस अपने वीएस कोड में, और यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाएंगे तो होगा हेडर। ओके, और अब इस कोड को कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल सेव। अब इसको करते हैं ओपन विद, वो अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है ओपन है ब्राउजर में ओपन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इजी वे में अपना हेडर ऐड कर दिया है। अपन अब चलते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या होता है, अपनी वेबसाइट का जो हीरो सेक्शन होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की डेमो वेबसाइट है, यहाँ पे एक एक इमेज लग गई, तो यहाँ पे एक H1 टैग वगैरह, यहाँ पे दो बटन लग गई, वॉच मोर, सब्सक्राइब है के, इसी टाइप के। ओके, तो अपन भी किस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपल आना है हीरो वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको हीरो सेक्शन देखना है, ठीक है। तो हीरो सेक्शन कहाँ पे है इसमें, तो हीरो सेक्शन किधर गया, किधर गया,
यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं फर्स्ट वाला ही हीरो सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें जो इमेज है वैसे ही लगी हुई है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको इमेज को चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कॉपी टू क्लिकबोर्ड एंड वापस से अपने वीएस कोड में आते हैं और यहाँ पे एक अलग सेक्शन बनाएंगे, तो हीरो सेक्शन के लिए होगा ना, तो इसको भी कमेंट आउट। ओ अब इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये क्या हो गया यार, ठीक है, कंट्रोल सेव। अब इसको मैं एक साइड में ओपन कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ ना इसको यहाँ पे। अब ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो फुल्ली रेस्पॉन्सिव भी है साथ में जो है ना, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल ऐड हो चुका है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में क्या ऐड कर रखा है, ये स्टैटिक जो है जो हार्ड कोड है यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इसी टाइप का अपन भी कुछ ऐड कर लेते हैं इसमें देख के। स्टैटिक वाला है ना, आई थिंक ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू कोड, देन इसको कॉपी करना है ना, तो कॉपी टू क्लिक कोड। उसके बाद आप आते हैं अपने वीएस कोड में, इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो स्टैटिक वाला सेक्शन हो गया ना, तो स्टैटिक यहाँ पे कंट्रोल सेव, ठीक है। अब वापस अपने पेज पे आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा हेडर सेक्शन ऐड हो गया और ये हीरो सेक्शन ऐड हो गया है, और इसके बाद जो स्टैटिक वर्ड वाले हैं ये वाला ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अपन वापस से चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल की जो डेमो वेबसाइट है उस पर। तो मैंने यहाँ पे चार वीडियो ऐड कर रखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही अपन यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं, लाइक प्राइसिंग वाला सेक्शन ऐड कर लेते हैं। नहीं, प्राइसिंग वाला थोड़ा अलग अजीब हो जाएगा ना। तो अपन ऐड कर लेते हैं प्राइसिंग वाला, तो अपन ऐड कर लेते हैं वही प्राइसिंग वाला सेक्शन, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे आया व्यू कोड एंड कॉपी टू क्लिक बोर्ड, ओके। उसके बाद एक अलग से सेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट आउट करना है ना, ठीक है, देन सेव। अब मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्राइसिंग वाली चीज़ थी वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर ली, एक तो हमारा हेडर बन गया है, उसके बाद हीरो सेक्शन, उसके बाद स्टैटिक वाला जो हम ऐड करना चाह रहे हैं वो हो गया, अभी हमारा प्राइसिंग सेक्शन, ठीक है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्या एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद हम कोई टेस्टिमोनियल सेक्शन भी ऐड कर लेते हैं, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल की डेमो वेबसाइट में है ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एंड कॉपी टू क्लिक बोर्ड। उसके बाद अपन वापस अपने वी एस कोड में आते हैं, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल का हो गया, तो इसको वापस शॉर्ट में लिख के इसको वापस सेव करते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन था वो भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट में अपन क्या करते हैं, बस इतना ही रखते हैं, एक अपन जो फुटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इमेजेस वगैरह ऐड की है, तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अब जल्दी से फुटर ऐड करता हूँ, ठीक है, और इस साइट को डिप्लॉय करते हैं। तो नीचे चलते हैं अपन फुटर वाले सेक्शन में। तो फुटर किधर गया फुटर, हमें बहुत सारे सेक्शन बोल रहे हैं, आप उनको यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर, लेकिन अपन ज़्यादा नहीं करने वाले ना, बस मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँ। तो अपन तो मेरे को ये वाला फुटर बहुत ठीक लग रहा है, मतलब नॉर्मल सा है, ज़्यादा चीज़ें है नहीं। तो इसको व्यू कोड एंड कॉपी टू क्लिक बोर्ड, ओके। और वापस से अपन आते हैं अपने वीएस कोड में, तो यहाँ पे एक अलग सेक्शन बनाते हैं फुटर, इसको करते हैं कमेंट आउट एंड देन इसको पेस्ट किया, ठीक है ना। अब वापस से चलते हैं अपने टेल ब्लॉक वाले इसमें। तो देखो, ठीक है ना, किस तरीके से अपनी पूरी वेबसाइट तैयार हो गई, जो अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट है वो इजी वे में तैयार हो गया, ठीक है ना। एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे लिंक ऐड नहीं है, जैसे ये वाला है चीज़ें है यहाँ पे लिंक नहीं है, तो आपको सिंपल लिंक ऐड कर लेना है, ठीक है, इसी तरीके से पूरा। तो ये हमारी एक नॉर्मल सी वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी इसे यूज करके बना सकते हो। अब इसको हम जल्दी से देखने वाले डिप्लॉय किस तरीके से कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को, ओके। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे टेल ब्लॉक को इनको हटा देता हूँ, ठीक है, और उससे उसके लिए चलता हूँ मैं पहले नेटलीफाई पे, जहाँ पे हम वेबसाइट को डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो नेटलीफाई की हेल्प से अपनी वेबसाइट को हम इजी वे में फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेरे लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने अच्छे से बताया किस तरीके से नेटलीफाई पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं साइट को। तो मैं बहुत सारी साइट, दो तीन साइट मैंने डिप्लॉय कर रखी है यहाँ पे। तो अपन इस वाली को करना है ना डिप्लॉय, तो अपन साइट वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। और जो अपना प्रोजेक्ट फोल्डर था डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था, उसको यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है, इसको हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो उसके लिए
यहाँ पे साइड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है इसको, और इस फोल्डर को मैं यहाँ पे करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल। अब इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैं अपने वीएस कोड ये सब क्लोज कर देता हूँ, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है अपनी साइट का, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा ना इसमें, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो साइट थे वो जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है उसका डिप्लॉयमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक हमें इसका लिंक मिल गया है जो भी अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है। जो भी हमारे हेडर सेक्शन थे यहाँ पे, हीरो सेक्शन थे, तो इस तरीके से हमने अपना छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है टेल ब्लॉक की हेल्प से। हमने ज़्यादा कुछ कोडिंग नहीं की है। अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में कोई कस्टमाइजेशन नहीं देखे हैं, कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसमें इसका कंप्लीट कस्टमाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। बस मेरे को ये था कि इसको आपको बता दूँ कि आप भी इस तरीके से अपनी कोई साइट बना सकते हैं डेमो, और अगर आप इसमें अपना साइट का नेम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको चेंज साइट नेम, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ गगन, गगन बहुत बढ़िया है, गगन बहुत अच्छा है, ठीक है। गगन बहुत अच्छा है, सेव। अब यहाँ पे देख सकते हो गगन बहुत अच्छा है .netlify.app, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी को भी ये लिंक शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो से आपको दो चीज़ें सीखने को मिली है, किस तरीके से हम टेल ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखा किस तरीके से हम इजी एंड सिंपल वे में नेटलीफाई पे अपनी जो फ्रंट एंड वेबसाइट होती है उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं आई वीडियो में आई कार्ड में भी उसका लिंक आ जाएगा, वहाँ पर भी आप उस वीडियो को देख सकते हो किस तरीके से हम नेटलीफाई पे वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, ओके। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।